हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना ग्रेवी वाले छोटे चने। चने को धोकर 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। भीगे हुए चने को कुकर में बनाएंगे। कुकर में चने और उसका पानी और 1.5 गिलास पानी डालें। इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 7 से 8 विसल लगा लेंगे। चने उबल जाने पर चने को चेक कर लें कि वह सॉफ्ट हैं। अब इन चने का एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। इस पानी का यूज बाद में करेंगे। चने में खटास देने के लिए 1 कटोरी में 2 चम्मच आमचूर डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करें। आप इसमें इमली का पानी भी डाल सकते हैं। कुकर में घी गरम करके सबसे पहले इसमें 1 चम्मच जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चना मसाला और किंग मसाला डालें। अब इसमें साथ में ही चने को डालकर थोड़ा सा भून लें। अब इसमें कसूरी मेथी, गरम मसाला और आमचूर पेस्ट डालकर भी भूनें। जो उबले हुए चने का एक्स्ट्रा पानी था उसे इसमें डालकर 3 से 4 विसल लगा लें। विसल निकल जाने पर अगर इसमें थोड़ा पानी लगे तो इसे बिना ढक्कन लगाए थोड़ा सा भून लें। चने बनकर रेडी हैं। इसे एक बाउल में डालकर इसके ऊपर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिये से गार्निश करें। इसे आप मैदे की पूरी और कुलचों के साथ खा सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करें।